इधर पालघर में हुई मॉब लॉन्चिंग जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और ड्राइवर की मॉब लिंचिंग के मामले में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन लगा लिया और जानकारी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने राज्य सरकार ने इस विभत्स घटना पर रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को पालघर जिले के कासा इलाके में रात 9:30 से 10 बजे के बीच 100 से ज़्यादा लोगों ने दो साधुओं और उनके एक ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी। उद्धव ठाकरे ने बताया कि उनकी पालघर मामले पर अमित शाह से बात हुई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए एडीजी सीआईडी क्राइम अतुल चंद्र कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। इस घटना में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी ये न सोचे कि लॉकडाउन हटा दिया गया है। अगर इस तरह की घटना सामने आती रही तो हम सख्त कदम उठाएंगे। साधुओं की हत्या पर योगी ने भी लगाया था फोन। पालघर में साधुओं की हत्या पर योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फोन लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़ा के संतो स्वामी कल्पवृक्ष गिरिजी, स्वामी सुशील गिरिजी व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया है।